चला मिर्ची 30 रुपये, मिर्ची 30 रुपये, चला कोबी 15 रुपये, कोबी 15 रुपये, कारली 30, कारली 30, चला कारली भारी इकडे, कारली भारी इकडे, चला कारली 40, कारली 40, भारी भारी भारी, चला दड़के 40 इकडे, भारी माल, चला वांगे भारी इकडे, वांगे भारी इकडे, वांगे 30 रुपये, वांगे 30 रुपये। टू डू द ग्राउंड रियलिटी चेक, एज ऑफ नाउ आई एम एट द होलसेल वेजिटेबल फ्रूट मार्केट इन पुणे एट मार्केट यार्ड, एंड हियर यू कैन सी द business activity in full swing. The farmers are there, the merchants are there, the commission agents are there, as well as to monitor all of the proceedings the APMC officers are also there. So first let's go and talk to the APMC officer what he wants to say about the rise in prices of vegetables. kya batayenge, bhav jo badh gaya hai uska wajah kya hai aur kaun sa bhav kitna ho raha hai, maal kitna aa raha hai filhal bazaar mein? abhi maal kam aa raha hai, zara aavak kam ho gaya hai, आवक कम होने के वास्ते बाजार भाव बढ़ गए हैं। सो द इन्फ्लक्स इज लेस, द डिमांड इज मोर, एंड दैट इज द रीजन। योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? सुजनी नामदार, आई एम आर्मी सप्लायर, आई बाय फ्रॉम हियर फ्रॉम मार्केट एंड आई सप्लाई टू द एनडी खड़कवासला, खड़की डेपो एंड पुना सप्लाई डेपो। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू आर सीइंग इन लास्ट कंपैरिजन, इफ यू डू अ कंपैरिजन ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट मार्केट्स ऑफ लास्ट 2 वीक्स? Last 2 weeks the vegetables are very high rate. We cannot buy and not purchase, like a lady finger, beans and every item, they are very costly. So now with us we have Mr. Ghule, the vice president of the commission agents over here. क्या कहेंगे बाजार के भाव क्या कह रहे हैं और कमीशन एजेंट के बतौर आप क्या कहोगे, जो भी माल आ रहा है उसमें से आपके धंधे पर क्या असर हो रहा है? हमारा धंधा तो अभी माल ज़्यादा होगा तो भी कमीशन हमको कम मिलता है, और जब भी काम माल कम होता है तो कमीशन थोड़ा बढ़ता है। तो अभी खेती वालों को अच्छा है कि माल कम आ रहा है, बाजार बढ़ रहे हैं, ये हिसाब से देखा गया तो। लेकिन बहुत से खेती वाले को माल गया है, वो दुख होता है, वो है क्या। और अभी बारिश की वजह से ये सब माल गए, अभी 15 दिन पहले हुई बारिश की वजह से ये माल पर परिणाम, कम से कम 15-20% माल बढ़ गया है, सब इसमें फर्क गिरा है। विद अस वी हैव अ फार्मर फ्रॉम उस्मानाबाद, ही हैज ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स टू पुणे, लेट्स टॉक टू हिम। काय म्हणणार तुम्ही, उस्मानाबाद वर इथं काय आणलं? डांगर भोपळा आणलं। आणि भावामध्ये काय फरक आहे जाणवतोय तुम्हाला, चांगला भाव मिळतोय का? पुण्यात चांगला मिळतोय भोपळ्याचं। जर म्हटलं तर किती येतो खर्च प्रति एकरी आणि किती तुम्हाला त्याचं उत्पन्न होते आहे आणि त्याच्यात तुम्ही खुश आहात का? एकदा खर्च कमी येत आहे 1000 रुपये, तो वाहतुकीला फक्त खर्च येत आहे, मग चांगलं 40-50 हजार रुपये राहते प्रति एकरी। यावेळेस भाव जे वाढलेले आहेत त्याचं कारण काय वाटते तुम्हाला, पावसाचा काही त्याच्यावरती विपरीत परिणाम झालाय का? पावसामुळे लय परिणाम झालाय। काय जास्त पाऊस झालाय ना, नुकसान जास्त झालंय शेतीत। द रेन हॅज डॅमेज द क्रॉप्स अँड दॅट इज द रिझन द इन्फ्लक्स इज लेस, द डिमांड इज मोर। विथ अस वी हॅव सचिन पायगुडे, वन ऑफ द मर्चंट्स ओव्हर हियर। सचिन, व्हॉट वुड यू से इफ यू कॅन कम्पेअर अँड टेल अस एक्झॅक्ट रेट्स अँड द राईज इन डिफरंट वेजिटेबल्स? As we have seen from last 15 days, there are heavy rainfalls all over Maharashtra and other states also. There are 50-20% increase in all the vegetable rates. As bhendi last week, it was lady finger, it was 20-25. This per kg. Per kg. This week it's 40-45. Bottle gourd is 15 rupees. Right now is 25. Cauliflower was 25. It's right now this week is 45-60. And rich gourd, it was last week it was 15-20, but this week it's grown to 40-45. As due to rain, many stuff has gone and vegetables are coming to market has decreased to 20-30%. So the demand is also more, and so all the rates for all the vegetables, it's grown to 15-20%. So here you have heard, the demand is more, the supply is less, and that is the reason that the prices have risen. There is rise in vegetable fruit prices all over. With Cameron Gopal Harne, this is Pankaj Khelkar in Pune for India Today.